हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिट स्पार्क्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का विषय है माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना। इस वीडियो को देखने से पहले कल एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया गया कि ब्रह्मा का अपने पिता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। कृपया करके आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको इस वीडियो में बारीकी से समझ में आए। एक वीडियो से ज्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने इस ज्ञान को तीन पार्ट में डिवाइड किया, अर्थात कि तीन भागों में ये संपूर्ण ज्ञान कर दिया गया। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? तब तीनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। भवानी को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्मा ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु यह कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टांगिनी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है? ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं प्रतिज्ञा करके पिता की खोज करने गया था, परंतु पिता ब्रह्मा के दर्शन हुए नहीं। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ब्रह्मा को श्राप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। तभी से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकास करेंगे, पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे। स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों को वास्तविकता क्या है, फिर भी मान वश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोक वेद शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे तथा अपने आप को सबसे अच्छा मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया, गायत्री को साप, तेरे कई सांड पति होंगे, तू मृतलोक में गाय बनेगी, तथा बृहस्पति को साप कह दिया कि तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे यह नरक भोगना होगा, तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा। इस प्रकार तीनों को साप देकर माता भवानी बहुत पछताई। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ते हैं क्रोधवश होकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं, यही प्रक्रिया मन के प्रभाव से सर्व जीवों में क्रियावान हो रही है।
यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन का अर्थ है काल ब्रह्म, ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। जब भवानी कहा कि भवानी यह आपने अच्छा नहीं किया, अब मैं आपको साप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी ही दुर्गा का अवतार हुई है। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन यानी कि काल ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, मैं तेरे बस पड़ी हूँ, जो चाहे सो कर ले। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।